नहीं पड़ेगी। आपने कहा एनालिसिस ऑफ कास्ट के पढ़े बगैर भी लोग लिख रहे हैं। जी जी, बिना एनालिसिस ऑफ कास्ट के लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है। सामाजिक साहित्य उसके बिना नहीं लिखा जा सकता। बहुत से लोग अंधविश्वासों के आधार पर साहित्य लिखते हैं। पता लगा पहली लाइन ही शुरू होती है तो कि उस दिन बादल गरज रहे थे, बादल बरस रहे थे और ऐसा मौसम था, उसके कारण कोई पैदा हुआ, या उस तरह की चीज़ें जो अंधविश्वासों के ऊपर आधारित हैं वो आज इस वैज्ञानिक युग में साजनी होंगी लेखकों को भी, कवियों को भी। और बिना संविधान पढ़े हुए अगर कोई आदमी समाज में काम करता है, चाहे साहित्यकार हो, चाहे लेखक हो, चाहे रंगमंच हो, तो वो न्याय नहीं कर सकता उसके प्रति। अशोक साहब, नामदेव झसाल जब इस देश में जो मनुवाद है, जिस जब नदी झरना सौंदर्य ही गढ़े जा रहे थे, उन्होंने दर्द लिखा है, क्या लगता है नामदेव झसाल की जो कविताएं थी वो एक कमी हो गई है एनालिसिस ऑफ कास्ट हो, या नामदेव झसाल कविताएं जो आज के कवि हैं? आज की तारीख में निश्चित रूप से किसी का नाम लेना उचित नहीं दिख रहा है, किसी का नाम लेना उचित नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जाति सूचक उपनाम लेकर के आप अगर राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो जो सरकार की नीति है, जो संविधान की नीति है, उसका हम कहीं ना कहीं अपमान करते हैं। आपने कहा कि सामाजिक आंदोलन तभी मजबूत होगा जब तक साहित्यिक आंदोलन मजबूत हो, साहित्य मजबूत हो। इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन पहले होता है, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, चाहे अमेरिका की क्रांति हो, पहले अगर इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से अस्थायी बदलाव तो हो सकता है। अस्थायी बदलाव के लिए इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन। सर, आपने एक और बड़ी बात कही कि हम जातियों में और उपजातियों में बटे हुए हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि हम राष्ट्रवाद के लिए इंटरमैरिजेस को पसंद करें, इंटरमैरिज को बढ़ाएं, और जितना भी देश के अंदर क्षेत्रवाद या जातिवाद के ऊपर या सांप्रदायिकता के ऊपर इंटरमैरिजेस की जो खिलाफत होती है उसको हटा करके जो राइट टू मैरिज है व्यक्ति का, क्योंकि हम फ्रीडम वाले हैं, फ्रीडम को पसंद करते हैं, संविधान के अंदर फ्रीडम दिया हुआ है एसोसिएशन का भी। अगर राइट टू मैरिज हमने अपने युवाओं को नहीं दिया तो उसमें भटकाव आएगा। आपने कहा कि इसी वजह से शायद सत्ता आ भी जाए तो जाति, मतलब असफलता की यही वजह है बड़ी वजह जहाँ हम जातियों में बट गए हैं? राजनीति कमेंट नहीं कर रहा, ना ही करना चाहिए। निश्चित रूप से अगर कोई सामाजिक बदलाव लाना है तो उसके अंदर राष्ट्रवाद और जो आपके उस तरह के हैंगओवर हैं, जो परंपराएं हैं जो ऑब्सोल्यूट हो चुकी हैं, उनको त्यागना पड़ेगा। बात सत्ता की नहीं होती है, बात है एम्पावरमेंट की। अगर एम्पावरमेंट है तो अत्याचार कम होंगे। बीपी अशोक साहब, आपने कहा कि आप कोई रूल ऑफ कंडक्ट से नहीं बंधे हुए आम लोगों के लिए, क्या लगता है? साहित्यकार सर्विस कंडक्ट रूल से नहीं बंधे हुए, उनके पास बहुत बड़ी आज़ादी है, वो लिख सकते हैं। अगर रूल ऑफ लॉ के मायने वो जानते हैं तो अच्छी चीज़ें लिखने में उनके ऊपर कोई रोक नहीं है। लेकिन क्या ये माना जाए कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो सर्विस में भी है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साहित्य सृजन कर रहे हैं और वो बड़े बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं, उनको सम्मानित भी किया जा रहा है, बहुजन समाज के साथ ये प्रिविलेज नहीं मिल रहा है? नहीं, प्रिविलेज की बात नहीं, जो एकेडमिक चीज़ें हैं उसके लिए आपको भारतीय संविधान पूरी तरह स्वतंत्र करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं जो उदाहरण स्वरूप देना है या ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है, उसमें आम आदमी को आज़ादी ज़्यादा है, अधिकारी और प्रतिनिधि को उतनी आज़ादी नहीं होती। आज हम IPS से बात नहीं करें, बीपी अशोक से, हम साहित्यकार बीपी अशोक से बात अगर करें तो अगला आपकी रचना कौन सी आने वाली और क्या प्लान है, क्या क्या इसको आगे पशु किस तरह से कर रहे हैं आप? और मैं पहले से भी लिखता रहा हूँ अंधविश्वासों के खिलाफ, इसीलिए आपको सम्मान भी मिला है। जी जी, और निश्चित रूप से जो हमारे नायक रहे हैं, चाहे वो चंद्र कुमार रहे हों, चाहे सम्राट अशोक रहे हों, चाहे महामानव बुद्ध रहे हों, उन सब के ऊपर साहित्य, उनके ऊपर रचनाएं, उनके ऊपर कविताएं, उनके ऊपर रंगमंच, बहुत सा पोटेंशियल है लिखे जाने के लिए फ्यूचर में। सर, बहुत बड़ा सामाजिक सुधार आंदोलन और राष्ट्रवादी आंदोलन चला जा सकता है। सर, बहुत समृद्ध था साहित्य भारत का, जब तक्षशिला नालंदा थी, विनय पिटक था, बुद्ध साहित्य बहुत स्वर्ण, जिसको हम स्वर्ण चिड़िया कहते हैं, सोने की चिड़िया थी भारत, जब व्यापार था, बिजनेस था, साहित्य को ख़त्म कर दिया गया, क्या वो सम्मान हम लोग फिर से वापस ला सकते हैं? उसके लिए क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से ला सकते हैं। जो साहित्यकार अगर भारतीय संविधान के आधार पर और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चल करके साहित्य की रचना करेंगे तो इस देश को सोने की चिड़िया दोबारा से बनाया जा सकेगा। एक आखिरी सवाल सर, जो बहुजन नायक हैं उनको जिस तरह से गुमनामी के अंधेरे में धकेला गया है, कितना सफल हुए हैं? हमारे पास तो एक कुल जमा समय प्रकाशन के अलावा कोई प्रकाशन भी नहीं है, उसके लेकर क्या करना चाहिए? चूँकि राजनीति बहुत हो रही है, सोशल वर्क भी बहुत हो रहा है, लेकिन साहित्य के स्तर पे और प्रकाशक कैसे बनाए जा सकते हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? आज देखिए, विचारों के लिए, विचार प्रवाह के लिए आप बहुत खुले आसमान के नीचे हैं। हर व्यक्ति लिख सकता है, हर व्यक्ति पढ़ सकता है, सोशल मीडिया आपके सामने है,
और ऐसे में सनक प्रकाशन के अलावा और भी प्रकाशनों के सामने आना चाहिए, लेकिन जो बोल्डली और बिना स्वार्थ के आगे आएंगे वही इतना प्रकाशन कर पाएंगे जितना समय प्रकाशन कर रहा है। सोशल मीडिया से कुछ बदलता दिख रहा है आपको? पूरी तरह से। सोशल मीडिया के आने के बाद में निश्चित रूप से जो अत्याचार हैं या अंधविश्वास हैं या पे बैक टू सोसाइटी का पैगाम है, सभी चीज़ें उजागर होती हैं। और ये आपके हमारे ऊपर है कि हमारी नई पीढ़ी किस तरह से अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट का यूज़ करके अपने आप को आगे बढ़ाती है, राष्ट्रवाद को मजबूत करती है, मानवतावाद को मजबूत करती है। आप किस तरफ इशारा कर रहे थे कि कुछ लोग चरित्र हो या उनके काम हो उसमें उस पर सवाल खड़े कीजिए, संदेह कीजिए, क्या वो बहुजन समाज से ही ऐसे लोग हैं? नहीं, मेरा किसी बहुजन समाज वगैरह से नहीं मतलब, सिर्फ जो सवाल है, सवाल करना है उस समय जब असंवैधानिक कार्य हो, जब अत्याचार हो, सवाल उस समय करना है जब पे बैक टू सोसाइटी के लिए लोग आगे ना आए। अगर पे बैक टू सोसाइटी के लिए कोई प्रतिनिधि आगे नहीं आ रहा है या कोई अधिकारी आगे नहीं आ रहा है, कर्मचारी आगे नहीं आ रहा है, तो अन्याय है और ये वादा खिलाफ है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।